हमने अपने पिछले वीडियो में विद्युत अपघटन का फैराडे का द्वितीय नियम पढ़ा था। आज हमारा आर्टिकल है कुछ व्यापारिक सेलों को पढ़ने का। तो सबसे पहले इस बात को जान लेते हैं कि व्यापारिक सेल होता क्या है। बेटा, आपने अभी तक जितने सेल पढ़े, गैल्वेनिक सेल को पढ़ा आपने, आपने विद्युत अपघटन सेल को पढ़ा, ये ऐसे सेल होते हैं जो हमें बाजारों में अवेलेबल नहीं मिलते हैं। कुछ विशेष दुकानें ही होती हैं जिनमें इन सेलों को खरीदा जा सकता है। लेकिन जो व्यापारिक सेल होता है, ये हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आता है और तकरीबन मार्केट में से सभी दुकानों में अवेलेबल भी होता है। तो ऐसे सेल जो व्यापार के दौरान बाजारों से खरीदे या बेचे जा सकते हैं, बेचे जाते हैं, ऐसे सेलों को हम कहते हैं व्यापारिक सेल। क्योंकि अपने यहां बहुत सारे व्यापारिक सेल हैं, तो मैं एक एक व्यापारिक सेल को पढ़ना स्टार्ट करता हूं। मुझे सबसे पहले व्यापारिक सेलों में से पढ़ना है शुष्क सेल को, ड्राई सेल। अपने यहां रेडियो में आता है यूज में व्यापारिक सेल, टॉर्च जिसको कहते हैं लाइट देने के लिए, उसके में भी हम लोग ड्राई सेल का यूज करते हैं। दीवार घड़ियों में भी ड्राई सेल का यूज होता है। तो इस प्रकार से हमारे यहां ड्राई सेल का काफी यूज है। ड्राई सेल एक लगभग एक ड्राई सेल जो होता है वो 1.5 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करता है। अर्थात एक ड्राई सेल को अगर मैं पढ़ूं तो उसके पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल के विभव का जो अंतर होता है उसकी वैल्यू लगभग 1.5 वोल्ट होती है। अब अगर आपको 3 वोल्ट चाहिए तो आप दो सेलों को यूज कर लेते हो श्रेणी क्रम में। आपको 4.5 वोल्ट चाहिए, आप तीन सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ड्राई सेल को पढ़ना। तो मैंने ड्राई सेल का फिगर आपके सामने बना दिया है और पहले पढ़ते हैं कि ड्राई सेल को कंस्ट्रक्ट करने में क्या क्या चीजें यूज में आती हैं, या ड्राई सेल को अगर बनाना है तो हमें क्या क्या उपयोग में वस्तुएं लानी है। तो बेटा, ड्राई सेल को बनाने के लिए सबसे पहले हमें जिंक धातु का एक कंटेनर चाहिए, एक बॉक्स चाहिए जो बेलनाकार हो। तो मैंने देखो ये एक बड़ा सा आपको पात्र दिख रहा है, बर्तन जो बेलनाकार आकार में है। वो बड़ा सा बेलनाकार आकार का जो पात्र है ये काहे का बना होता है, जिंक का। जिंक का बना बेलनाकार पात्र ऊपर से खुला रहता है और नीचे जिंक की ही मोटी सरफेस से ढका रहता है। अगर मैं इस सेल पे देखूं तो सेल का ये ऊपरी वाला भाग खुला है, ये बेलनाकार पात्र हो गया, ये हो गई बेलनाकार पात्र की तली जो जिंक धातु से ढकी हुई है या जिंक धातु की मोटी प्लेट से ढकी हुई है। और ये जिंक धातु की मोटी प्लेट काय का कार्य करती है, एनोड। सोचने वाली बात है, क्योंकि केवल यही हिस्सा जिंक का नहीं बना बल्कि ये हिस्सा भी, उस पात्र का केवल निचला हिस्सा ही नहीं, उस पात्र की चारों दीवारें, चारों ओर की जो दीवार है यह भी जिंक की बनी है। तो यह भी कहना गलत होगा कि केवल निचला हिस्सा ही एनोड है, बल्कि निचले हिस्से पर भी जिंक है, आसपास के हिस्से पर भी जिंक है। इसका मतलब यह पूरा जो कंटेनर बनकर तैयार हुआ है, यह पूरा का पूरा कंटेनर एनोड का कार्य करता है। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है कि हमारे यहां जो सेल आता है वो आसपास से कवर आता है, ढका हुआ आता है। तो आपको जब भी वायर जोड़ना होगा, आप वायर कहां जोड़ते हो, नीचे। मैं ये मानता हूं कि ये भी जिंक का ही कंटेनर है, चारों ओर जो पात्र बना, अगर मैं मान लेता हूं कि ये मेरा सेल है तो सेल का निचला हिस्सा भी जिंक का बना हुआ है और सेल के चारों ओर का आवरण भी जिंक का बना है, लेकिन यह ऊपर वाला हिस्सा खुला है। तो यह पूरा का पूरा पात्र एनोड का कार्य करता है। सोचने वाली बात है, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया जो है ये कवर्ड होता है, ढका हुआ, तो या तो कागज से ढका हुआ होता है और या तो स्टील से ढक देते हैं इसको, क्योंकि ये हिस्सा ढका हुआ होता है। इसलिए हम वायर को यहां तो कनेक्ट कर नहीं सकते, वायर को हमेशा कहां कनेक्ट करते हैं, या तो नीचे या तो ऊपर। तो नीचे वाले हिस्से को मैंने क्या लिख दिया है, जिंक का ये क्या है, एनोड। ध्यान रखिए यह भी जिंक का ही एनोड है, बशर्ते क्योंकि यह हिस्सा कवर्ड है, ढका हुआ है, मैं इसको बताने वाला नहीं हूं या इस पे वायर नहीं लगाएंगे तो इसको मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं। फिर उस पूरे पात्र के अंदर हम ग्रेफाइट की एक छड़ को रख देते हैं। बेटा देखो यह लिखा हुआ है ग्रेफाइट का, यह क्या है, कैथोड। अब ग्रेफाइट की छड़ के जो चारों ओर का भाग होता है,
बेटा ग्रेफाइट के छड़ के चारों ओर का भाग आपने देखा होगा ब्लैक कलर का पाउडर भरा रहता है। अगर आप सेल को खोलकर देखते हैं तो सेल को खोलकर देखने पर वो जो ब्लैक कलर का पाउडर मिलता है ये दो पदार्थों का मिक्सचर है, मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन। मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन को महीन बारीक पीस कर उसका चूर्ण बना लिया जाता है और उसको उस रॉड के चारों ओर भर देते हैं। जबकि उस मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन के चूर्ण के चारों ओर एक पेस्ट भरा जाता है। यह पेस्ट कौन सा होता है? यह पेस्ट होता है NH4Cl और जिंक क्लोराइड, नौसादर और जिंक का पेस्ट होता है। अब इस पेस्ट को क्यों भरा गया? क्योंकि बेटा नौसादर और जिंक क्लोराइड, देखिए यह सारा का सारा नौसादर और जिंक क्लोराइड का ही पेस्ट है, पेस्ट ऑफ NH4Cl एंड जिंक क्लोराइड। अगर ये सारा का सारा NH4Cl और जिंक क्लोराइड का प्लेट है तो सॉरी पेस्ट है, तो इस पेस्ट को देखने पर मुझे दो बातें पता चलती है। पहली बात पता चलती है कि इस पेस्ट के कांटेक्ट में जिंक की भी प्लेट है और इस पेस्ट के कांटेक्ट में जो ग्रेफाइट की रॉड है वो भी उसके कांटेक्ट में है। तो बेटा इससे होता क्या है? इससे एक सेल का निर्माण होता है। कैसे सेल का निर्माण होता है? आपने इलेक्ट्रोड व्यूह की परिभाषा पढ़ी होगी कि जब किसी धातु के छड़ को किसी लवण के जलीय विलयन में डुबाया जाता है, सेम चीज है। जिंक धातु की छड़ है, यह जिंक का एनोड है, इसको काहे के पेस्ट में ZnCl2 और NH4Cl के पेस्ट में डुबाया गया। जैसे ही जिंक की नीचे वाली प्लेट उस पेस्ट के कॉन्टेक्ट में आती है, जिंक की प्लेट पेस्ट के साथ इलेक्ट्रॉनों का क्या करने लगती है? ट्रांसफर करने लगती है। या ऐसा सोच सकते हैं कि जिंक धातु की छड़ अब जिंक क्लोराइड और नौसादर के जलीय विलयन के कांटेक्ट में आ गई है। और आपने इस बात को पढ़ा है कि जब भी कोई मेटल अपने लवण के जलीय विलयन के कांटेक्ट में आता है वो प्लेट कैसी हो जाती है? आवेशित हो जाती है। अब इस बात को तो बाद में चेक करेंगे कि जिंक किस प्रकार का आवेश आती है। तो कुल मिला के बेटा सेल को बनाते समय मुझे इस बात को ध्यान रखना है कि जिंक की प्लेट और वो जो ग्रेफाइट की रॉड है ये दोनों उस पेस्ट के कांटेक्ट में आने चाहिए या पेस्ट को छूने चाहिए या दूसरे शब्दों में पेस्ट में डूबे होने चाहिए। पेस्ट में डूबे होने से होता क्या है? पेस्ट में डूबे होने से ये होता है कि वो मेटल या ग्रेफाइट पेस्ट के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है और रासायनिक अभिक्रिया करके अपने आप को स्वयं आवेशित कर लेता है। अब आवेशित करने में एक प्रकार का आवेश रखेगा जिंक की प्लेट और दूसरे प्रकार का आवेश रखेगा, अगर मैं बात करता हूं तो, ग्रेफाइट की रॉड। तो सेल को बनाते समय इतने प्रकार की चीजों का इस्तेमाल होता है। क्या क्या इस्तेमाल होता है मैं दोबारा से इसको रिपीट कर दूं। सबसे पहला अगर मैं देखता हूं हमारे पास जिंक का एक क्या होना चाहिए? कंटेनर। और जिंक के कंटेनर के अंदर हम काहे की रॉड को रख देंगे? ग्रेफाइट की रॉड को। ध्यान रखिएगा ग्रेफाइट की रॉड के चारों ओर मुझे एक पाउडर भरना है। यह पाउडर किसका होना चाहिए? मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का पाउडर। आप कभी सेल को खोलकर देखिए, अंदर आपको ब्लैक कलर का एक पाउडर मिलेगा। ब्लैक कलर का जो वो पाउडर होता है वो मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का पाउडर होता है। अभी बात आएगी, सर ये भी तो ग्रेफाइट भी तो कार्बन है। बेटा ये ग्रेफाइट रॉड के फॉर्म में है, सॉलिड फेस में है, एक टुकड़े के रूप में है। और जो ये कार्बन है बेटा ये पाउडर फेस में है, पाउडर के फॉर्म में होगा, ये पाउडर भरा रहेगा। इसके बाद मैं निचले हिस्से पर क्या करता हूं? मैं NH4Cl जिंक क्लोराइड का एक पेस्ट बनाकर तैयार करता हूं और उसको ऐसा भरता हूं कि हमारी जो जिंक की प्लेट है, जो जिंक की तली है, वो उस पेस्ट को टच करते रहे। क्योंकि जैसे ही जिंक की प्लेट उस पेस्ट को टच करेगी, उस पेस्ट को टच करते ही जिंक की प्लेट और पेस्ट के मध्य एक रासायनिक अभिक्रिया होगी। जैसे ही जिंक और उस पेस्ट के मध्य रासायनिक अभिक्रिया होगी, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा, प्लेट पर आवेश आना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं इस सेल के विषय में एक बात बता दूं, यह ड्राई सेल एक प्रकार का प्राथमिक सेल है। और प्राथमिक सेल में होता क्या है? यह केवल एक ही बार चार्ज हो सकता है। कब चार्ज हो सकता है? जब इसे बनाया गया होगा, इसके बाद यह दोबारा कभी चार्ज होने वाला नहीं। तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले ड्राई सेल के विषय में कुछ खासियत लिख लेते हैं कि ड्राई सेल होता क्या है। अगर मुझसे पूछता है शुष्क सेल क्या होता है तो मैं बताऊंगा शुष्क सेल एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल होता है, एक प्रकार का
गैल्वेनिक सेल होता है, एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल होता है। एक बार और मैं लिखता हूं कि इसे आप बार बार आवेशित या चार्ज नहीं कर सकते, तो मैं इसको भी लिख देता हूं, तथा इस प्रकार के सेल को, इस प्रकार के सेल को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, सेल को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, आवेशित नहीं किया जा सकता। यह भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो गई कि अगर आपके पास कोई प्राथमिक सेल है, आप इसको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। आपके पास ड्राई सेल जो है वो प्राथमिक सेल का उदाहरण होता है, और प्राथमिक सेलों के विषय में आपने पढ़ा था कि ये संपूर्ण जीवन काल में तो केवल एक ही बार चार्ज होते हैं, और कब चार्ज होते हैं, जब इन्हें बनाकर तैयार किया जाता है। तो मैं एक काम कर लेता हूं, मैं ब्रैकेट के अंदर इसको लिखे भी देता हूं कि ये प्राथमिक सेल का उदाहरण है, क्योंकि मैंने पढ़ रखा है, क्योंकि अगर कोई सेल अपने जीवन काल में एक ही बार चार्ज हो, जब वो बनाया जाए, इसके बाद हम अगर उसे चार्ज नहीं कर सकते, हम उसे प्राथमिक सेल की श्रेणी में डाल देते हैं। तो मेरे लिए जो शुष्क सेल से इंपॉर्टेंट चीजें थी, मैंने इसको लिखा। हां, मुझे एक और चीज लिख लेनी चाहिए शुष्क सेल में, कि एक शुष्क सेल जो होता है अपने यहां जिंक और ग्रेफाइट की क्षण के द्वारा बनाया जाता है, ये कितना विभवांतर उत्पन्न कर सकता है, तो मैं इस बात को भी लिखता हूं। एक शुष्क सेल लगभग, शुष्क सेल लगभग 1.5 वोल्ट का विभवांतर वांतर उत्पन्न करता है, इतना विभवांतर उत्पन्न करता है। और तो इतनी तकरीबन शुष्क सेल में खासियत तो हमको पता थी, मैंने लिख ली। हां, अगर आप ये चाहें कि इसका यूज क्या हो, कहां होता है, तो आप इसको लिख भी सकते हैं कि इसका यूज कहां होता है। मैं लिखे देता हूं एक दो यूज, इसका प्रयोग रेडियो टॉर्च आदि यंत्रों में किया जाता है। तो इससे क्या है कि मुझे यह भी पता चल गया कि आखिर इस प्रकार के सेल का यूज क्या है, कहां कहां पर है। तो अब इस सेल में से आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सेल में इंपॉर्टेंट भाग मैंने पढ़ लिया कि सेल का यूज क्या है, सेल कैसे सेल किस प्रकार का है, यह कितना वोल्टेज देता है। बात आती है इस सेल की संरचना के विषय में, कि इस सेल की संरचना के विषय में मैं कुछ इंफॉर्मेशन दे दूं। आसान सी चीजें हैं, जो भी चीजें मैंने बताई हैं, मैं केवल उन्हीं चीजों को लिखने वाला हूं। तो मैं नेक्स्ट हेडिंग डाल देता हूं, संरचना। इसका कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाए, तो मैंने आपको बताया सेल को बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास एक पात्र होना चाहिए, बेलनाकार होना चाहिए, जो नीचे से तली हो परंतु ऊपर से कैसा हो, खुला हो। और यह पात्र किसका था, जिंक मेटल का था। तो मैं यहां पे लिखता हूं, इस सेल में जिंक के एक बेलनाकार पात्र को लेकर, जिंक के एक बेलनाकार पात्र जिंक के एक बेलनाकार पात्र को लेकर उसके अंदर मैंने कहा है कि रॉड रख दी थी, ग्रेफाइट की रॉड रख दी थी, उसके अंदर ग्रेफाइट की छड़ को रख कर,
मैंने ग्रेफाइट की छड़ को रखा और आपने इस बात को भी ध्यान दिया कि ग्रेफाइट को छड़ को रखने के बाद मैंने उसके चारों ओर काय का पाउडर भरा, मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का चूर्ण रखकर छड़ के चारों ओर, छड़ के चारों ओर मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन के चूर्णों को भर दिया जाता है। कार्बन के चूर्ण को भर दिया जाता है। और साथ में इस बात को भी बताना होगा जबकि सेल के अन्य बचे हुए हिस्से पर मैं क्या भर देता हूं, नौसादर और जिंक क्लोराइड का पेस्ट। तो मैं इस बात को भी लिखता हूं तथा शेष भाग में NH4Cl और जिंक क्लोराइड के पेस्ट को भर देते हैं, पेस्ट को भर देते हैं। दो चीजें और बचती हैं, एक चीज और बचती है कि ये जो पाउडर है ये बाहर ना निकाला निकल जाए, इसलिए हम इसको चपड़े से बंद कर देते हैं या पिच सील लगा देते हैं। तो मैं इस बात को भी लिखता हूं कि जो पाउडर है सेल का बाहर ना निकल जाए, सेल के उल्टा होने पर, सेल के तिरछे होने पर अगर ये पाउडर बाहर निकल जाए मैं इसे पिच से पूरी तरीके से ढक देता हूं। और एक चीज कि ग्रेफाइट की रॉड पर मेटल का कैप लगा दिया जाता है, क्योंकि अगर ग्रेफाइट की रॉड को आप डायरेक्ट किसी सर्किट में लाओगे तो सर्किट में अगर ग्रेफाइट की रॉड लगातार रगड़ती रही तो ग्रेफाइट की रॉड घिस जाएगी और घिसने के बाद ये हो जाएगी छोटी और आपका सेल पहले ही काम करना बंद कर देगा, क्योंकि काफी स्ट्रांग होता है मेटल का कैप, इसको एक लंबे समय तक लगाए रखने पर भी यह घिसता नहीं, लगातार अच्छा काम करता रहता। तो दो चीजें बचती हैं, एक मेटल कैप और दूसरा वो पिच सील। सेल में भरे अवयवों, सेल में भरे अवयवों को सुरक्षित रखने के लिए, सेल में भरे अवयवों को सुरक्षित रखने के लिए हम इसे पिच से ढक देते हैं। तथा ग्रेफाइट की छड़ के ऊपरी हिस्से, ग्रेफाइट की छड़ के ऊपरी हिस्से पर ब्रास मेटल के कैप को लगा देते हैं। तो इतनी चीजें मैं इस सेल को बनाने में, कंस्ट्रक्ट करने में क्या करता हूं, मैंने उसको बात को लिख दिया है। क्या लिखा मैंने, मैंने लिखा है इस सेल में जिंक के एक बिलनाकार पात्र को लेकर उसके अंदर ग्रेफाइट की छड़ को
रख दिया जाता है। तो मैंने क्या किया, जिंक का एक बेलनाकार पात्र लिया, उसमें ग्रेफाइट की रॉड को रख दिया और ग्रेफाइट की छड़ को रखने के बाद छड़ के चारों ओर का मतलब ये हिस्सा मैंने मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन के पाउडर से भर दिया। इसके अलावा जो हिस्सा बचा मैंने उस पर पेस्ट भर दिया। किसका किसका पेस्ट? नौसादर का और जिंक क्लोराइड का। ये नौसादर और जिंक क्लोराइड का जो पेस्ट है ये विद्युत अपघट्य का कार्य करेगा, और जब ये विद्युत अपघट्य का कार्य करेगा जैसे ही जिंक की छड़ जो है, जिंक की प्लेट है वो इस विद्युत अपघट्य के कॉन्टेक्ट में आएगी, जिंक की छड़ विद्युत अपघट्य से अभिक्रिया करते हुए आवेशित होने लगेगी, चार्ज होने लगेगी। जैसे जिंक की छड़ विद्युत अपघट्य के कॉन्टेक्ट में आकर चार्ज होने लगेगी, एक प्रकार का आवेश आ जाएगा जिंक की प्लेट पर, और जैसे ही जिंक की प्लेट पर आवेश आएगा आप समझ जाओगे कि अब आवेश का प्रवाह आसानी से कराया जा सकता है और सेल बनकर तैयार होगा। लेकिन आवेश जिंक की प्लेट पर कैसे आएगा या ग्रेफाइट के रॉड पर चार्ज कैसे आएगा, इस बात को पढ़ने के लिए हमें सेल की रासायनिक अभिक्रियाओं को भी पढ़ना होगा। तो मैं सेल की एक एक रासायनिक अभिक्रिया को लिखना स्टार्ट करता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। अब मैं इसको हटा देता हूं। मुझे सबसे पहले पढ़ लेना चाहिए कि इस ड्राई सेल में किस किस प्रकार की रिएक्शन संभव है या किस प्रकार से प्लेटों पर आवेश उत्पन्न होता है, आता है। देखिए, तो मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैंने क्या देखा कि विद्युत अपघट्य के रूप में दो केमिकल्स लिए गए हैं, एक नौसादर और एक जिंक क्लोराइड, इन दोनों का पेस्ट लिया गया है। मैं सबसे पहले चेक करता हूं, जिंक क्लोराइड का निर्माण तो जिंक के ही द्वारा होता है। मैं चेक करता हूं सबसे पहले कि नौसादर पर रिएक्शन क्या होती है। तो बेटा सबसे पहले मैं नौसादर पर रिएक्शन करूंगा चेक, तो नौसादर का फॉर्मूला NH4Cl। अगर रिएक्शन होगी, क्योंकि यह विद्युत अपघट्य है और विद्युत अपघट्य आपने देखा है घुलित या गलित अवस्था में या पेस्ट के फॉर्म में आते ही अपने आयनों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। नौसादर कौन कौन से आयन प्रोड्यूस करेगा? NH4 प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन। आप इसको थोड़ा सा और भी सही कर सकते हो। कैसा सही कर सकते हो कि आप NH4 आयन के दो मोल ले सकते हो। रिएक्शन में कोई खास नहीं, आप सिंगल मॉलिक्यूल से भी दिखाओगे रिएक्शन कंप्लीट है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी तो मैं दो मॉलिक्यूल से लिख लेता हूं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंगल मॉलिक्यूल रिएक्शन को भी लिखते हो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस सिचुएशन पे। तो आप NH4Cl के दो मॉलिक्यूल को भी लेकर रिएक्शन करवा सकते हैं और नौसादर के एक मॉलिक्यूल को लेकर भी रिएक्शन करवा सकते हैं। मैं दो मॉलिक्यूल की भी दिखा सकता हूं, एक जो भी अपना अपना चाहे। अब मैं सबसे पहले चेक करने वाला हूं कि ऐसी सिचुएशन पर एनोड पर या कैथोड पर किस किस प्रकार की अभिक्रियाएं संभव हैं। तो मैं एक एक इलेक्ट्रोड पर चलता हूं। मैं सबसे पहले चेक करता हूं कि कैथोड पर किस प्रकार की रिएक्शन होती है। तो मैं सबसे पहले कैथोड लिखता हूं। अब कैथोड पर मैं आसानी से बता देता हूं कैथोड क्या हुआ। जो अमोनियम आयन है, NH4 आयन है, ये कैथोड पर रिएक्शन करता है। कैसे रिएक्शन करता है कैथोड पर? कि NH4 जाता है पॉजिटिव आयन, कैथोड पर पहुंचता है और कैथोड, आप इसको देख के ही पहचान सकते हो, कैथोड पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, क्योंकि कैथोड पहुंचने, जो कैथोड पर आयन पहुंच रहा है इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। बाई चांस एक छोटे समय के लिए समझते हैं कि NH4 प्लस कैथोड पर पहुंचा, तो NH4 प्लस क्या बताएगा, मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये इलेक्ट्रॉन की कमी को कैसे पूरा करेगा, प्लेट से या ग्रेफाइट की छड़ से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आकर्षित करेगा, ले लेगा। तो NH4 आयन ने, प्लस आयन ने ग्रेफाइट की रॉड से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को लिया, फिर मैं दोबारा से बात कर देता हूं, इसको NH4 आयन जो प्रोड्यूस हुआ नौसादर का, वो NH4 आयन जो है वो जैसे ही ग्रेफाइट की छड़ पर पहुंचा, ग्रेफाइट की छड़ पर पहुंचते ही उसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ग्रहण किया। प्लेट ने अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के जैसे NH4 को दिया, इसका तो आवेश समाप्त हो गया पॉजिटिव, लेकिन प्लेट पर कैसा आवेश आ गया, धन आवेश आ गया। NH4 पॉजिटिव आयन ने प्लेट से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और जैसे ही ग्रहण किया NH4 आयन प्रोड्यूस हुआ।
NH4 कंपाउंड प्रोड्यूस हुआ, लेकिन मैं क्या सोचता हूं, NH4 तो कोई केमिकल ही नहीं है, NH4 कोई केमिकल नहीं है, अगर ऐसा कोई केमिकल बनता ही है तो अनस्टेबल कंपाउंड है। तो मैं एक काम कर लेता हूं, इसको स्टेबल फॉर्म में लिख लेता हूं। स्टेबल फॉर्म में NH3 और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। अगर स्टेबल फॉर्म में ये NH3 और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, मुझे अभिक्रिया को बैलेंस करना होगा। तो अभिक्रिया को बैलेंस करने में मैं एक काम कर लेता हूं, दो का मल्टीपल कर लेते हैं। अभी सोचो, एक NH4 आयन एक इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्व करके रिएक्शन करता था, अब दो NH4 आयन है तो कितने इलेक्ट्रॉनों को एब्जॉर्व करेंगे? दो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्व करेंगे और रिएक्शन करेंगे। इस तरह से वे दो मॉलिक्यूल अमोनिया के बनाएंगे। तो आप इस बात को बहुत विशेष ध्यान रखना कि कैथोड पर इलेक्ट्रॉनों को क्या किया गया है, ग्रहण किया गया है, क्योंकि कैथोड पर मॉलिक्यूल से आयन ने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है, अपचयन अभिक्रिया है। मैं यहां लिखे भी देता हूं कि यह कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन। सोचने वाली बात और है कि जब भी इस सेल को किसी सर्किट के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा, सर्किट के थ्रू का मतलब एक वायर ऊपर से एक वायर नीचे से, दोनों के बीच में एक बल्ब को लगा दिया जाएगा। बल्ब को लगाने में जो हमारा कैथोड है, वो कैथोड इस समय अगर देखा जाए उस पर अपचयन अभिक्रिया होगी और उस पर पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा। कैथोड पर अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा, अर्थात कैथोड इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा, डिमांड करेगा। भाई कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज का मतलब कैथोड पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इलेक्ट्रॉन की कमी का अर्थ है वो इलेक्ट्रॉनों की डिमांड करेगा, और पर मॉलिक्यूल में कम से कम कितने इलेक्ट्रॉनों की डिमांड करेगा, दो। तो ये बेटा रिएक्शन हो गई कि कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी। तो बेटा अब मैं बात कर लेता हूं एनोड पर होने वाली रिएक्शन को, बड़ा आसान है। एनोड कौन सा है? अच्छा, एनोड तो जिंक है। जिंक कैसे रिएक्शन करता है? ZN जैसे ही सॉलिड फॉर्म में पहले था, प्लेट पे चिपका था, लेकिन जैसे ही वो विद्युत अपघट्य के कॉन्टेक्ट में आता है, जिंक विद्युत अपघट्य के कॉन्टेक्ट में आते हुए अपने दो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता है, त्याग देता है। अब बेटा दो इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, तो जिंक अपने जैसे ही दो इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है तो वो करता क्या है? जिंक दो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर कहां चला गया? पेस्ट में, और वो दो इलेक्ट्रॉन प्लेट पर छोड़ गया। जिंक, मैंने पहले बताया था, सॉलिड का मतलब प्लेट पर, और डबल प्लस चार्ज या माइनस चार्ज का मतलब सॉल्यूशन पर। अब मैं इससे सोचता हूं क्या, जिंक प्लेट से निकलकर कहां चला गया? विलयन पर चला गया। जिंक जब प्लेट से निकलकर विलयन पर गया था, उसने दो इलेक्ट्रॉन त्यागे थे, वो इलेक्ट्रॉन कहां चले गए होंगे? तो मैं उन इलेक्ट्रॉनों की इंफॉर्मेशन दूं, जिंक अपना स्वयं प्लेट से निकलकर विलयन पर चला गया, लेकिन वो दो इलेक्ट्रॉन जो छोड़े थे उसने, वो प्लेट पर ही छोड़ दिए। प्लेट पर दो इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर वो जिंक अपने सॉल्यूशन पर चला गया। अब होगा क्या, अगर जिंक अपने इलेक्ट्रॉनों को इस निचली प्लेट पर छोड़ेगा, तो ये रिएक्शन केवल एक जिंक का एटम नहीं कर रहा होगा, जिंक के बहुत सारे एटम ये रिएक्शन कर रहे होंगे, और सारे के सारे एटम सेल की सरफेस पर इलेक्ट्रॉनों को छोड़ रहे होंगे। अगर बेटा सारे के सारे जिंक के एटम इलेक्ट्रॉनों को इस सरफेस पर छोड़ रहे होंगे, आप समझते हो इस सरफेस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगातार क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जैसे ही सरफेस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, ये इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण बढ़ने लगेगा, और प्रतिकर्षण बढ़ने के कारण जैसे ही मैं इसको एक वायर के थ्रू बल्ब से कनेक्ट करूंगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षण के कारण निकलने की जगह मिल जाएगी। कैसे निकलने की जगह मिल जाएगी? उनको वायर मिल गया, मीडियम मिल गया, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होकर इस मीडियम से कहां से प्लेट से निकलने स्टार्ट हुए? एनोड से, और एनोड से निकल के बल्ब से होते हुए कहां गए? कैथोड पर गए। कैथोड पर क्यों गए? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन जमते चले गए तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, और इस प्लेट पर इलेक्ट्रॉन की क्या थी? कमी। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू बल्ब से होते हुए प्लेट पर जाने लगे। और आपने पढ़ा है कि जब भी कभी इलेक्ट्रॉन किसी सर्किट में फ्लो होता है, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के हमेशा विपरीत रहती है। अभी सोचो, अगर इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर गति करता है, तो इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की दिशा क्या होगी? कैथोड से एनोड की ओर। लेकिन एक और चीज मैं सोचता हूं, जब भी यह सर्किट यूज में होगा, हम वायर से इसको कनेक्ट करेंगे, मुझे यह चेक कर लेना चाहिए सेल चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है। इसको कैसे पहचानेंगे? तो बेटा
अभी मैं मान लेता हूं सेल में यहां 100 इलेक्ट्रॉन है और सेल में यहां 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। देखो फिर से, इस प्लेट पर 100 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है और इस प्लेट पर 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। क्यों? क्योंकि यहां अपचयन अभिक्रिया हुई इसलिए इलेक्ट्रॉनों की कमी आ गई, यहां ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई इसलिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई। अगर यहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है 100 में से, तो ये इलेक्ट्रॉन जब इस वायर के थ्रू सर्किट पर जाएंगे, सोचिए 100 में से यहां से 20 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 20 इलेक्ट्रॉन निकल के इस सर्किट के थ्रू यहां आए। अभी सोचो वहां जो 100 ऋणावेश था वहां 80 ऋणावेश बचा, अर्थात नीचे वाली प्लेट का चार्ज कैसा हो गया? कम। अब अगर 20 इलेक्ट्रॉन यहां से आएंगे तो सोचिए 20 इलेक्ट्रॉनों पर 20 ऋणावेश, और वो 20 धनावेश को कैसा कर देंगे? समाप्त कर देंगे। क्योंकि अगर 20 इलेक्ट्रॉन आए और हर इलेक्ट्रॉन पर एक ऋणावेश है तो हर ऋणावेश एक धनावेश को समाप्त करेगा। इस प्रकार से 20 इलेक्ट्रॉन इधर आकर वो 20 धनावेश को भी क्या कर देंगे? समाप्त करेंगे। अगर वो 20 धनावेश को समाप्त करते हैं तो इस दशा में आप यह भी सोच सकते हो कि धनावेशी टर्मिनल का पॉजिटिव चार्ज भी कम हो गया। इसका मतलब जब मैंने सर्किट के थ्रू बल्ब को जोड़ा और इलेक्ट्रॉनों का फ्लो स्टार्ट हुआ, अब सेल क्या होने लगा है? डिस्चार्ज। बिल्कुल होगा डिस्चार्ज। क्यों? क्योंकि आप सेल को यूज कर रहे हैं, और जब सेल को यूज किया जाता है सेल का आवेश धीरे 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 कम होने लगता है। एक समय आएगा आप यहां पर उपस्थित जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब इलेक्ट्रॉनों को वहां पहुंचा दोगे दूसरी प्लेट पर, इधर इलेक्ट्रॉन भी खत्म लगभग हो जाएंगे, इस प्लेट का भी आवेश लगभग समाप्त, और जब इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो इधर वाले उपस्थित धनावेश को भी समाप्त करेंगे। तो यहां ऋणावेश कम हो गया, इधर धनावेश कम हो गया और सेल डिस्चार्ज हो गया। लेकिन अभी भी सेल को पढ़ने से या सेल को पढ़ें तो अभी भी सेल में से दो इंपॉर्टेंट चीजें मुझे मिलती हैं। क्या मिलती हैं? अमोनिया गैस और हाइड्रोजन गैस। सेल में प्रॉब्लम करने वाली ये दो गैसें। सर ये गैसें क्या प्रॉब्लम करती हैं? बेटा अभी सोचो, सेल पूरी तरीके से कवर्ड है, ढका हुआ है, सेल में कोई भी सब्सटेंस बाहर नहीं आ सकता। अगर ये गैसें सेल के अंदर प्रोड्यूस होंगी तो आप जानते हैं गैसें आयतन कैसा घेरती हैं? ज्यादा। और जब गैसें आयतन ज्यादा घेरेंगी तो सेल पर इन गैसों के द्वारा लगाया गया दाब बढ़ जाएगा, और जैसे ही सेल में इन गैसों के द्वारा लगाया गया दाब बढ़ेगा उसका एक बैड इफेक्ट भी हो सकता है कि सेल विस्फोट कर सकता है। भाई किसी पात्र में अगर आपने गैसों को भर दिया है तो वो गैसें पात्र पर क्या लगा रही? दाब। अगर ये प्रेशर ज्यादा हो गया तो पात्र क्या हो जाता है? फट भी सकता है। तो आपके यहां कार्य कर रहा हुआ सेल विस्फोट भी कर सकता है। कौन कौन सी गैसों के कारण? अमोनिया गैस के कारण और हाइड्रोजन गैस के कारण। मैं एक काम कर लेता हूं, सबसे पहले मैं इस बात को देख लेता हूं कि अगर इन अमोनिया गैस और हाइड्रोजन गैस को सेल पर ज्यादा अमाउंट में भरते रहे या भरती रही तो ये विस्फोट कर देंगी, तो और हमारा सेल खतरनाक हो जाएगा। तो हम आखिर क्या ऐसा करें या हम इस बात को कैसे पहचाने कि ये गैसें विस्फोट करें या ना करें, या गैसें विस्फोट कर सकती हैं या नहीं? तो मुझे अब इन दो गैसों की रिएक्शन पर विशेष ध्यान देना होगा। क्या ये दोनों गैसें समाप्त हो जाती हैं सेल में लास्ट तक, या दोनों गैसें सेल में बनी रहती हैं? अगर गैसें समाप्त हो जाती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारा सेल बच गया। लेकिन अगर ये दोनों गैसें लगातार बनी रहती हैं तो फिर ऐसी सिचुएशन पे हमारा सेल खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर बची रहेंगी तो सेल पे गैसीय आयतन बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि प्रयोग के दौरान जब रिएक्शन हो रही हो अमोनिया गैस और हाइड्रोजन गैस का आयतन इतना बढ़ जाए कि वो सेल को क्या कर दे? विस्फोट कर दे और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो मैं एक एक रिएक्शन को स्टार्ट करता हूं। कैसे लिखना? मैं अमोनिया गैस की रिएक्शन को सबसे पहले चेक करता हूं कि अमोनिया गैस जो है वो किस प्रकार से रिएक्शन करती है। तो बेटा उसके बाद होता क्या है, सेल में अमोनिया गैस भी प्रोड्यूस हुई और सेल में जिंक आयन भी प्रोड्यूस हुआ। तो अब मैं चेक करता हूं कि जिंक आयन क्या अमोनिया गैस से रिएक्शन करता है, और करता भी है तो क्या कर किस प्रकार की रिएक्शन करता है। तो मैंने देखा जो ZN पॉजिटिव चार्ज है यह अमोनिया गैस से रिएक्शन करता है, और अमोनिया गैस से रिएक्शन करते हुए एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। क्या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है ZN NH3 का होल 4,
डबल प्लस चार्ज। ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को पहचानना कॉम्प्लेक्स आसान है, लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के विषय में जो जानकारी है हमारे यहां रसायन विज्ञान में एक आगे चैप्टर्स में है, उपसहसंयोजक यौगिक में, तो मैं उस पर पढ़ूंगा। उपसहसंयोजक यौगिक क्या होता है, बड़ी आसान सा, बस आपको इतनी ध्यान रखने वाली चीज जरूर है कि हम इसको, इस कंपाउंड को कैसे पहचाने कि ZnNH3 से रिएक्शन करता है तो NH3 का होल वन आएगा, ट्वाइस आएगा, थ्राइस आएगा, सर जी ने फोर लिख दिया, तो ये फोर कैसे पहचाना गया? तो बेटा ये जो होल फोर होता है ये डिपेंड करता है चार्ज की अमाउंट पर। अगर ZN पर डबल प्लस चार्ज है तो वो अमोनिया के चार मॉलिक्यूल को ले लेगा, अगर ZN, अगर ZN पर सिंगल चार्ज होता प्लस चार्ज, वैसे तो होता नहीं लेकिन अगर सिंगल प्लस चार्ज होता तो ये अमोनिया के दो मॉलिक्यूल को लगता लेता, अपने चार्ज से जस्ट डबल मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट करता है। तो ZN पर दो प्लस चार्ज से चार मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लिया, अर्थात जो अमोनिया गैस प्रोड्यूस भी हुई थी वो अमोनिया गैस जिंक आयन ने अपने साथ मिला ली, और अमोनिया गैस को जिंक आयन ने अपने साथ मिलाकर गैस को समाप्त कर दिया, क्योंकि गैस समाप्त हो गई सेल विस्फोट से बच गया। तो लेकिन अमोनिया गैस ही केवल विस्फोट थोड़ी करा सकती है, विस्फोट तो हाइड्रोजन गैस भी करा सकता है, हाइड्रोजन गैस में भी ऐसा नेचर होता है कि यह भी विस्फोट कर सकता है। तो अब चेक करते हैं कि हाइड्रोजन गैस को कैसे हम विस्फोट करने से रोक लेंगे। जैसे मैंने अमोनिया गैस को एब्जॉर्व करके दूसरे केमिकल में बदल दिया है, मुझे हाइड्रोजन गैस पर भी ऐसी अभिक्रिया लिखनी चाहिए जो हाइड्रोजन गैस को समाप्त करके दूसरे केमिकल में चेंज कर दे, तो मैं उसको लिखता हूं। तो बेटा मेरे पास एक और केमिकल था, मैग्नीज डाइऑक्साइड। अगर मैं मैग्नीज डाइऑक्साइड को चेक करूं तो बेटा यह हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करता है, और हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करते हुए ये एक केमिकल कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है MnOOH। MnOOH बनाता है, मैं इसको अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए यहां हाफ एस टू ओ लिख देता हूं, हाफ एस टू में से टू टू से कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा H1। मैंने MnO2 की एक एस से रिएक्शन कराई, MnOOH बनके तैयार हुआ। इसका मतलब हाइड्रोजन गैस को MnO2 ने एब्जॉर्व कर लिया और एक नए टाइप का केमिकल बनाया। यह गैस नहीं है, क्योंकि गैस होता यह भी विस्फोट कर सकता था, यह गैस नहीं है। तो इस प्रकार से जो ड्राई सेल में दो हानिकारक गैसें या विस्फोटक गैसें बन भी सकती थी, विस्फोट कर सकती थी, अमोनिया और हाइड्रोजन, उनको मैंने अलग अलग तरह से बताया कि उसको सेल का कौन कौन सा भाग या कौन कौन सा केमिकल इनको एब्जॉर्व कर लेता है। तो बेटा ड्राई सेल में होने वाली रिएक्शंस को मैंने लिख लिया है कि ड्राई सेल में कौन कौन सी रिएक्शन होती है, आप इन रिएक्शंस को तैयार रखना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट अगर सेल में है कोई चीज, सेल का फिगर बनाना नहीं, सेल का फिगर बनाना सब बना डालते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेल की डिफरेंट टर्मिनल पर रिएक्शन को लिखना कि एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होती है। तो आप कैथोड और एनोड की रिएक्शंस को तैयार रखेंगे। हाँ मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, क्योंकि MnH4 में इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया गया था, ग्रहण किया गया था, आपने ये लिखा था कि कैथोड पर अपचयन अभिक्रिया हो रही है, क्योंकि ZN पर इलेक्ट्रॉनों को त्यागा गया है, मैं इसको ऑक्सीडेशन लिख सकता हूं कि इस पर अभिक्रिया क्या हो रही है, ऑक्सीकरण। और आप जानते हो ऑक्सीकरण और अपचयन को मिलाकर ही एक क्या बनता है, सेल। तो इस प्रकार से मैंने ड्राई सेल को एनालाइज किया, पढ़ा ड्राई सेल पर होने वाली अभिक्रियाओं को पढ़ा, तथा ड्राई सेल में जो नए पदार्थ बन रहे थे जो सेल के लिए हानिकारक हो सकते थे वो पदार्थ कैसे एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं अलग अलग केमिकल्स के थ्रू, मैंने उन अभिक्रियाओं को भी पढ़ा। तो सेल के लिए अगर आप देखें तो यही दो रिएक्शन कंप्लीट है, लेकिन अगर मैं इन दो रिएक्शंस को भी लिख देता हूं तो ये सेल के लिए काफी अच्छा मैटर तैयार कर देता है। तो बेटा आज अपने लेक्चर पर केवल ड्राई सेल को ही रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर पर भी मेरे पास अभी और प्राथमिक सेल है, हम उनको पढ़ेंगे। तो बेटा आज के आर्टिकल में हम इतनी चीजों को रखते हैं, बाकी के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। धन्यवाद।